सदैव सरोज चतुर्वेदी जी, सदैव भैरव सिंह जी शेखावत जन्म शताब्दी समारोह के पहले कार्यक्रम में आए हैं। आज समाचार पत्रों में बहुत बड़ा विज्ञापन छपा है, लगभग 80 लाख रुपए सरकार के खजाने के खर्च करके मुख्यमंत्री जी की फोटो से उन्होंने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण करने का दावा करते हुए कहा, जो कहा वो किया। मैं समझता हूं कि दीपावली पर उन संविदा कर्मियों को जिनको जन घोषणा पत्र के पैरा 10-3 में इन्होंने नियमितीकरण करने का वादा किया था, उनके साथ इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। 1 जनवरी 2019 को संविदा कर्मियों के नियमितीकरण करने के लिए कल्ला कमेटी बनी, उसमें तत्कालीन चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री सदस्य बने, और 2019 के बाद 2022 को 11 जनवरी 2022 तीन साल बाद सरकार को होश में आया कि अब चुनाव नजदीक है, इसलिए कोई झुंझुनू पकड़ाया जाना चाहिए, और उन्होंने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किया। ये सारी बातें 4 साल बाद जो राजस्थान के लगभग 4 लाख से ज्यादा ऐसे संविदाकर्मी हैं जो अलग अलग समय पर इन सेवाओं में आए हैं, 2006 से जो संविदाकर्मी सेवाओं में आए उनका नियमितीकरण करने का इन्होंने वादा किया, पर अब उनको संविदा में ही नई नौकरी दे रहे हैं। इतने साल ये जो रूल्स इन्होंने जारी किए हैं वो खुद ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट, यानी अनुबंध के आधार पर सिविल पोस्ट पर दोबारा नियुक्ति, और उस नियुक्ति में इन्होंने कहा कि जिनके 9 साल पूरे हो जाएंगे उनका फिक्स वेतनमान हो जाएगा 10,400, और जिनके 18 साल हो जाएंगे उनका हो जाएगा 32,300। यानी जो अब तक नौकरी कर रहे थे 2006 के बाद में, वो उनकी पुरानी सेवाओं का कहीं कोई नहीं, क्योंकि रूल 2022 का नोटिफिकेशन तो अब जारी होगा, और इन्होंने खुद ने कहा कि अगर वो वेतन उनको ज्यादा मिल रहा है तो उनकी पे प्रोटेक्शन करेंगे जब तक वो दोबारा उस परिधि में नहीं आ जाते, यानी 5% की बढ़ोतरी भी उनको मिलेगी नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पूरे मामले को अगर कहें तो पुरानी सेवाएं उनकी शून्य हो गई, और 2032 18 साल बाद में 18,000 कुछ रुपए के पे फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, उसमें मिनिमम वेजेज क्या होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2006 का, वो है स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, इसमें साफ लिखा गया कि समान कार्य तो समान वेतन मिलेगा, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कहीं भी इन संविदा कर्मियों को पेंशन की सुविधा नहीं, इनके वेतन भत्ते समान रूप से कह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं कि इनको हम कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं देंगे, तो वेतन भत्ते कहां दे रहे हैं, इंक्रीमेंट कहां दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं एक मृग मरीचिका है। और इन्होंने अब करीब 31,000 लोगों की पहले जेब में निकाली है, और यहां वादा किया 1,10,000 का। ये सारी बातें एक तरह से सरकार का लिपापोती करने का काम है। सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से पहले न्यू पेंशन स्कीम में जो बना हुआ था इनका PFRDA, जिसमें कंट्रीब्यूशन जा रहा था 10% पैसा सरकार का और 10% पैसा कर्मचारियों का, उसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपए है, 19,000 करोड़ रुपए जो कर्मचारी के हैं, जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसको मैं ब्याज चुकाने का काम सरकार का है। अब ये PFRDA के जो एक्ट के रूल्स बने हुए हैं जिस पर भारत राजस्थान की सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, उसमें साफ लिखा है कि ये पैसा सरकार अपनी मर्जी अपनी इच्छा से विड्रॉ नहीं कर सकती, ओल्ड पेंशन स्कीम का भार भी आने वाली सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि 2004 के बाद के जो नियुक्त लोग हैं उन पर लागू की है, उनका रिटायरमेंट जब तक होगा जब तक इनकी विदाई हो चुकी होगी, तो ये सरकार घोषणा वीरों की सरकार है। कभी सरकार के मुख्यमंत्री जी
ग्रामीण ओलंपिक बैंको गेम्स के माध्यम से अपनी कोई भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की बात करते हैं तो कभी इस प्रकार के झूठे ऐलान से। आज सरकार की उम्र कितनी है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर आलाकमान क्या निर्णय लेगा, आज इस अधर झूठ के कारण से राजस्थान के अंदर पिछले कई समय से जिस प्रकार का अराजकता का राजनीतिक मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, राजनीतिक अराजकता का वातावरण बना हुआ है, वो चीजें छुपा हुआ नहीं। एक तरह से इन्होंने औद्योगिक समिट की है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योग राजस्थान के अंदर लगेंगे। मैंने आंकड़ों के साथ कहा था अब तक के आपका खुद के आंकड़े ये कह रहे हैं कि आपके 2019 में 3,400, 2020 में 4,100 और 2021 के अंदर 9,000 कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। एक साथ ये 9,000 करोड़ का 10 लाख का कैसे पार कर जाएगा, ऐसे कौन से सुर्ख आपके पैर आपने कर लिए, ये सारे बातें ऐसी हैं जो सिद्ध करती है कि ये डबोल संघ सरकार है जो कहती है सिर्फ और उसका क्रियान्वयन नहीं होती। सरकार के इस आपाधापी के अंदर राजस्थान के लोगों का जो हित हुआ है वो राजस्थान के लोग देख रहे हैं और सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर सरकार बढ़ चुकी है। इस सरकार का पूरा कार्यकाल सरकार के उन करिंदों को जिन्होंने सरकार का साथ दिया, विधायक और जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, इनको मिनी मुख्यमंत्री के रूप में इस जनता के धन को लूटने के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। झूठ और लूट की सरकार इस सरकार के दिन लदेंगे, ये मोटे तौर पर मुझे यही कहना था। अब मैं पूर्व प्रदेश सरकार को अनुरोध करूंगा आपसे सवाल करते हैं, संविधान का जो फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं या इस फैसले में कुछ कमियां बताते हैं? ये फैसला मर्ग मिर्चिका है। जन घोषणा पत्र में जो वादा इन्होंने आज से 4 साल पहले किया और जन घोषणा पत्र को इन्होंने सरकारी दस्तावेज दिया कैबिनेट की पहली बैठक में, नियमितीकरण करने की बात कही और ये खुद इनका जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल इसको कहते हैं, अनुबंध को कहते हैं, हायरिंग किराए को कहते हैं, सब समझते हैं। इसलिए ये जिस प्रकार ओल्ड पेंशन पर कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश की उसी प्रकार का एक गुमराह करने का इनका काम है। मैं इस धोखे की सरकार की आलोचना करता हूँ। आपने जिस सुविधा की बात कही है, किसी क्या भाजपा की सरकार आपके पास आ रही है तो देखिये, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कपोल कल्पित बातें नहीं की। हमारा खुद का चुनाव घोषणा पत्र की कमेटी बनेगी, कमेटी गुणावगुण के आधार पर करेंगे और जितनी कर्मचारी हितैषी फैसले हमने जो कहा वो किया। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि जो कहा वो किया, वो कहा नहीं किया, कहा वो धोखा दिया। अगर आज की टैगलाइन उन कहा जो धोखा दिया, आप ये करेंगे तो भविष्य की गर्व में है। 2013 और 2018 के मध्य की बात करें, मेरी बीड़ी कला से भी बात हुई इस बारे में जो आप कह रहे हैं, जिस भूमिका में आज बीडी कल्ला है कभी राजेंद्र राठौड़ भी उस भूमिका में हुआ करते थे 2013 से 2018, तो आपने क्या किया वो भी थोड़ा बताइए। क्योंकि जिन लोगों की संविधान की नियमितीकरण की बात सरकार कर रही है, जिन लोगों की संविधान की नियमितीकरण की सरकार बात कर रही है वो आपकी सरकार के समय भी उसी भूमिका में थे। हमने बोनस अंक देकर जिन लोगों को संविधा पर रखा उनको उनकी सेवाओं के आधार पर बोनस अंक देके उनका नियमितीकरण किया। मेरे खुद के जिस विभाग में मैं मंत्री था 11,600 पैरामेडिकल्स को 10, 20 और 30 का बोनस देके हमने भर्ती किया। हमने कभी ये वादा नहीं किया कि संविदा पर जो आएंगे वो सारे के सारे नियमितीकरण हो जाएंगे। अब संविदा के अंदर उन्होंने कहा कि 5 साल ऊपर तक पद बना रहेगा तो नियमितीकरण करने के बारे में उसकी पात्रता रहती है। एक तरफ इन्होंने ऐलान किया कम राजस्थान की सरकार इस साल भी 1,60,000 नई भर्ती कर रही है, पदों पर नई भर्ती का इन्होंने चालू कर रखा है और इनको झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि हम तुम आपके पद रहेंगे तो आपके पदों पर आपको रेगुलराइज करेंगे। पद रहेंगे नहीं, एक पद बता दें जो इनके लिए आरक्षित किया गया है। इसी में सवाल के जवाब से सवाल निकला, अरुण जी से आपने सलाह भी की, आप कह रहे हैं 10-20 का अनुपात हमने किया बोनस अंक के आधार पर। आपकी जानकारी में भी होगा और शायद मेरी जानकारी में भी है, जिस तरह के फैसले किए गए उसमें कोर्ट में चैलेंज क्यों हुए? तो आज भी है कोर्ट में, न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक संरक्षण लेने का अधिकार सबका है, उसके बारे में तो आज भी तो अनादिकाल से चला रहे। आप भी बैठे करेंगे, हम भी कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
घोषणा भी सरकार है अभी इन्वेस्टमेंट सबमिटेड किया उसके लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उन्होंने जारी की 2020-2022 उससे पहले 2020 में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसको जैसे ही 2022 को जारी किया उसके बाद वो लैप्स हो गई 2022 के रूल्स अभी तक नहीं 2020 के पर बेनिफिट्स बंद हो गए पॉलिसी बनने के बाद भी किसी भी इंडस्ट्रीज के जमीनों के रजिस्ट्री नहीं हो रही पट्टे उनको जारी नहीं हो रहे उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं सारा काम रुक गया एक तरह से सरकार एक तरफ तो घोषणा कर रही है हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग लाभ देंगे दूसरा उनके जिन चीज़ों के फायदे मिलने की बात है उन सब फायदों को भी रोक करने की बात दूसरा किसानों का एक बहुत बड़ा विषय होना चल रहा है जो बाजरे का विषय राजस्थान सबसे बड़ा बाजरे की पैदावार करने वाला राज्य है लगभग 60,000 के आसपास स्टेट भी हमारी बाजरा पैदा करते हैं बार बार मांग करने के बाद भी अभी हरियाणा में 2300 रुपये पर बाजरा बिक रहा है राजस्थान में 1500 रुपये बिक रहा है हमने पिछले दिनों एक बड़ी रैली करके सरकार से मांग भी की थी उसके बाद भी सरकार ने अभी तक बाजरे की खरीद के बारे में नहीं सरकार उसको तुरंत जारी करे सिर्फ राजस्थान के किसानों को ये जो 700-800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो नुकसान हो रहा है उसको उनको नुकसान से बचत हो दूसरा इस पिछले दिनों की जो असमय की बरसात आई उसके कारण विशेष गिरदावरी की घोषणा तुरंत सरकार करे और करने के बाद ही जो उसका मुआवजा होता है तुरंत जारी करे आज बड़े पैमाने पर कई जगह ऐसी हुई है कोटा संभाग की बात है भरतपुर की बात है जहाँ पूरी तरह बाजरे की फसल चौपट हो गई उनकी मुआवजे की बात तुरंत करे एक तरह हम कह सकते हैं कि सरकार अभी सामान्य रूप से जन समस्याओं से पूरी तरह से विमुख होकर के अभी अपनी सत्ता को बचाने लगी हुई है जिस प्रकार से तेजी लगातार घोषणाओं के मामले में या घोषणाओं के उद्घाटन के मामले में मुख्यमंत्री जिस प्रकार की कर रहे हैं वैसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में उनको संचय चुनाव पर जाना पड़ेगा और उसके कारण से बहुत तेजी में जिन प्रोजेक्ट्स के काम पूरे नहीं हुए उनके भी घोषणा पिछले दिनों में मुख्यमंत्री की कदर रखी गई ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी खिचड़ी पकड़ी है जो इस सरकार के जाने का कारण अरुण जी आपसे एक सवाल है मेरा राजनीतिक सवाल है जयपुर सिविल लाइन से आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं लेकिन मूल भरतपुर के रहने वाले हैं राजस्थान से केंद्र की सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों एक मंत्री पर बयान देते हुए भरतपुर के लोटे की विशेषता बता रहे थे तो भरतपुर के लोगों की भी विशेषता उन्होंने बता दी उससे कितना इत्तेफाक हो गया मुझे लगता है कि सामान्य रूप से इस तरह का कोई भी मतलब किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए मैं ऐसा मानता ही क्योंकि भरतपुर के जहाँ बात करें तो ऐसी जमीन के सूरजमल का उदाहरण भी हमारे महाराज सूरजमल की बात करें तो अंग्रेजों को मुसलमानों पर छक्के चुकाने का काम भी इसी भरतपुर के दर्शन से लोगों ने कर राजस्थान के हर हिस्से ने अपना अपना योगदान समय समय पर किया और हर हिस्सा राजस्थान की कोई धरती ऐसी नहीं जिसने देश के लिए गुरबानी की बात की जिसके समाज ने कल की बात की इसलिए किसी भी समाज को हम कम नहीं आ सकते उस पंडित को कोर कमेटी की बैठक हुई दोनों ही वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बने हुए इसमें ये बात भी उठी कि राजस्थान में अपनी धरती अपना राज चल रहा है जो नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ कोर कमेटी की बैठक में मैं था इस प्रकार की ऐसी कोई लंबी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई ये सब बातें चाय के प्याले में तूफान है सब एक ही बात करी विधानसभा को केंद्र पुत्र बनाकर इस सरकार ने जो घोषणाएं की बजट में घोषणाएं की जन घोषणा पत्र में घोषणाएं की वादा किया कितना पूरा इसकी जानकारी करें और सरकार के कर्मों के बारे में एक चार्जशीट बनाए और साथ में प्रधानमंत्री जी इसी 1 तारीख को मानगढ़ आ रहे उसकी तैयारी जनसती की बात कर रहे थे उनके आदर्शों की बात कर रहे थे राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ को भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है लेकिन पिछले दिनों एक घटना हुई आप राज्यपाल से मिलने गए और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री उस डेलीगेट में शामिल नहीं थी और वो बात उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब आपके मुँह से राजस्थान में कांग्रेस में 2 पार्ट होने की बात लगातार कही जाती है देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हमारी नेता है हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कई बार कई कार्यक्रम के अंदर पूर्व में सूचना नहीं होने के कारण से किसी कारण से कोई कई कार्यक्रम में हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहे इसलिए नहीं कही रही तो हमारे सचेत्र ने सूचना उनको दी कि नहीं दी उनसे सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा पर भारतीय जनता पार्टी में ना मतभेद है ना मनभेद है हम वही करेंगे जो हमारा संसदीय बोर्ड करेगा विश्व का सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है कमल का फूल हमारा निशान है हमारे वो नहीं हम किसी को नकारा निकम्मा और नालायक नहीं कहेंगे कांग्रेस का काम है ऐसा कहेंगे फिर वो आपकी जो नेता है वो भी बीकानेर आई थी तो बीजेपी बहुत हो रही है क्या करेंगे हर कार्यक्रम आज मैं आया हूँ ये कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम नहीं ये कार्यक्रम एक आयोजन समिति का कार्यक्रम है तो
हर कार्यक्रम के अंदर पार्टी के सारे लोग आए, आप सकता नहीं, अलग 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 कार्यक्रम है। देवी सिंह जी का कार्यक्रम था मानगढ़ में, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा मानगढ़ में प्रस्तावित है, आदिवासियों का बड़ा प्रमुख स्थान माना जाता है, लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जंगी आजादी का सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी एक जगह पर हुआ है तो मानगढ़ धाम में हुआ है। मानगढ़ के अंदर आदिवासियों को बरतानिया हुकूमत में जिस तरह गोलियों से उड़ाया गया, और उस जगह पर नमन करने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री आए तो उन शहीदों की शहादत को नमन है। उसको राष्ट्र वो लंबे समय से मांग की जा रही है, और प्रधानमंत्री जी का हर कहीं जाना अगर चुनाव के साथ जोड़ के नहीं, लेकिन उनका एक तरह से व्यापक दृष्टिकोण रखते प्रधानमंत्री। कई बार कार्यक्रम में मानगढ़ की गति आए, 2012 में एक बार आए, और उसके बाद 2013 से 18 के बीच में पहले मानगढ़ को पूरे एक राज्य स्तरीय स्मारक का दर्जा पिछली भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में पूरे केवल एक कोठी बनी हुई थी, कोठी बहुत दूर घूमते हुए जहाँ उनके शहीदों के स्थान को पूरी तरह हमने जीवित करने का काम किया, एक महत्व का स्थान बनाया। दूसरा, हम सब की इच्छा है उसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मिलना चाहिए। राजेंद्र जी ने चर्चा की, आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत प्रभावी आंदोलन जिसमें बहुत बड़े पैमाने में लोगों ने एक अहिंसक आंदोलन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, और बरतानिया हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा नरसंहार देशों को सुना करना कुछ मानगढ़ का था, वो भी गुरु की प्रेरणा से जो एक भूत आंदोलन चला था उसके कारण। सवाल है मेरा, सब लोग कह रहे हैं निवेदन था सारा इंडिया का, हिंदुस्तान पूरे का, सारा इंडिया में इनका एक राजस्थान में हर आदमी हर का समर्थक नेता जो है वो अपने नेता के लिए कहीं भी बात कर रहा है। राजस्थान के इतिहास में बीकानेर संभाग ऐसा है जिसमें ना कांग्रेस और ना भाजपा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना। अब कांग्रेस की सरकार लगभग पूरी हो गई, आप कह रहे हम आ रहे हैं, तो क्या बीकानेर संभाग को राजेंद्र राठौड़ के रूप में नेतृत्व मिलेगा? मैं पार्टी छोटा करे, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, 7 बार लगातार लोकसभा की जनता ने जिताया, पार्टी ने टिकट दिया, इसलिए मैं समझता हूँ इस प्रतिस्पर्धा में ना कभी मैंने अपने आप को सांचे पे ढालने की कोशिश की, ना मैं उस पर ढाल सकता हूँ। साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो काम मिलेगा बड़ी जोर जबर समझते कह रहे हैं, 4 दशक का अनुभव है, खूब आवाज उठाई आपने।